हेलो, घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेने. पहिलो चेंडू पायावर आदळणारो, ज्या चेंडूवर एकही धाव नाही. संघाचं खातं खोलण्यासाठी आणखी एका चेंडूची वाट बघूची लागतली. चालू असलेलो सामनो वोल्वो बॉयज हणकणे आणि सत्पुरुष मोरजी या दोन बलाढ्य संघादरम्यान. यावेळी फसलेलो पटको, जेलची संधी. ओ हो हो, येस दॅट शुड बी टेकन. अप्रतिम जेल टिपलो गेलो. पहिल्याच फलंदाजा तंबूचो रस्तो अगदी दुसऱ्या चेंडूवर दाखवलो गेलो. पहिला कलम लागला, पहिलो गडी गारत, पहिलो फलंदाज रावणीच्या दिशेन डीजेच्या धून सहित. वर एकही धाव न होता पहिलो गडी गारत. संघाचा खाता खोलण्यासाठी आणखी एका चेंडूची वाट बघूची लागतली. पण गोलंदाजाचा जो प्रयत्न असतलो आणखी एक गडी बाद करत समोरच्या वोल्वो बॉयज हणकडे संघाक बॅकफुटवर ढकलूचा. ओ, यावेळी अति घाई न करता थोडस सेन्सिबल क्रिकेट. एका चेंडूसाठी एका धावेसाठी चेंडू ट्रॅव्हल झालो लेग साइडच्या दिशेन आणि एका धावेच्या मदतीने खाता खोलला गेला. गोलंदाजी मार्कवर जबाबदारी दत्तराजच्या खांद्यावर दिली गेली आणि दत्तराजने सुरुवातीकच एक मोठो धक्को दिलो. यावेळी संदेश आणि रुद्रेशची जोडी. परत एकदा मिडविकेटच्या दिशेने ट्रॅव्हल झालेलो चेंडू आणि धावान पूर्ण केलेली एक धाव. एका धावेच्या मदतीने धाव फलकावर धावसंख्या पुढे सरसावली. धाव फलकावर धावसंख्या पोचली एक गडी बाद दोन धावा. स्ट्राईक एंडवर रुद्रेश. कशी असतली रुद्रेशची फलंदाजी वन डाऊनच्या रूपात. अल्टी पलटीचो प्रयत्न, चेंडू पळीचो चांगलो संपर्क नाही. मात्र एक धाव धाव फलकावर जोडली जातली. इल्या इल्या अल्टी पलटी खेळणा तितक्या सोप्या काम नाही. आणि सध्याच्या घडीक रिवर्सिपचो बादशा अल्टी पलटी शॉट ज्याचे परफेक्ट बघितले जातात असो अप्पाली कलंगुटकर आपण बऱ्याच वेळा बघितलो. यावेळी थोडस बॅकफुटवर जात खेळण्याचा प्रयत्न. मिडविकेटच्या दिशेने एक धाव पूर्ण झाली आणि एका धावेच्या मदतीने धाव फलकावर धावसंख्या पोचली चार धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आणि अप्पाली कलंगुटकरचा नाव कशासाठी, तर सेमी क्वार्टर फायनलचो सामनो एका चेंडूत पाच धावांची आवश्यकता आणि खायच्या गोलंदाजानच नाही तर प्रेक्षकांनी सुद्धा विचार केलो नसतो की एका चेंडूवर पाच धावा आवश्यकता असताना क्वार्टर फायनलच्या सामन्यात एखादो फलंदाज रिवर्स स्वीप षटकार मारू शकता. आणि तो षटकार मारलो अप्पाली कलंगुटकरने आणि सामनो जिंकवून दिलो होतो. याच्यासाठी त्याचा नाव घेतला जाता. पण यावेळी पहिल्या षटकाची सांगता जरी पहिल्या षटकाच्या सांगतेअखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यात चार धावा धावपलकावर थोडीशी खराब सुरुवात नक्कीच झाली वोल्वो बॉयज हणकडे संघाची. पण येणाऱ्या काळात कम बॅक करण्याचा असतो प्रयत्न दोन्ही फलंदाज. यावेळी संदेश स्ट्राईक एंडवर आणि रुद्रेश नॉन स्ट्राईक एंडवर. सात नंबर जर्सी संदेश. ओ, यावेळी शॉर्ट पिच चेंडू अपसाइडच्या दिशेने मारलेलो पटको. कवरचो क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवर परतीची फेक करीत तोपर्यंत दोन धावा धावपलकावर जोडले गेले आणि दोन धावांच्या मदतीने धावपलकावर धावसंख्या पोचली सहा धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर जबाबदारी प्रजयच्या खांद्यावर.
पुढे सरसावत मारलेलो पटको लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात येऊन चेंडू पडलो आणि अखेर उघड्या तिरपळात दाणो तयार झालो. दुसरा कलम लागला, दुसरो फलंदाज दुसऱ्या षटकात बॅक टू दी पेव्हिलियन. दुसरो फलंदाज, दुसरा षटक आणि दुसरो चेंडू, दुसरी विकेट डीजे टक पेटवून. पहिल्याच षटकात दुसऱ्या चेंडूवर पहिली विकेट, दुसऱ्या षटकात दुसऱ्या चेंडूवर दुसरी विकेट आणि नवीन फलंदाज दत्ता मैदानात. आणखी एक चांगलो चेंडू, ज्या चेंडूवर सन्मान दिलो गेलो आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येत तोपर्यंत एक धाव दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान पूर्ण झाली. एका धावेच्या मदतीने धाव फलकावर धावसंख्या पुढे पोचली, सात धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. काय होताला या सामन्यात? नाणेफेक जिंकल्यानंतर स्वतःच्या बाजून नाणेफेकीचा कौल लागल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा घेतलेला निर्णय आणि आतापर्यंत सात धावात दोन कलमा लावली गेली, दोन गडी गारत केले आणि गोलंदाजी मार्गावर परत एकदा प्रजय सज्ज. हो, यावेळी तटक्या पेचून गेलेलो चेंडू, परत एक फलंदाज जगआउटच्या दिशेन. रुद्रेश वन डाऊनच्या रूपात इलो, रुद्रेश कडसून अपेक्षा खूप होते पण रुद्रेश सुद्धा असा झाला रानूक म्हणा निलय आणि फक्त गजाली सांगान गेलय. यावेळी चांगलो चेंडू, ज्या चेंडू परत एकदा सन्मान दिलो गेलो आणि या चेंडूवर एकेरी धाव, एकेरी धावे निशी धाव फलकावर वाढलेली धावसंख्या तीन गडी बाद नऊ धावा धाव फलकावर. काय होताला या सामन्यात? किती धावा जमवले जातले, किती धावांचा लक्ष ठेवला जातला मोरजी संघाविरुद्ध? सत्पुरुष मोरजी संघ नाणेफेक जिंकून घेतलेला क्षेत्ररक्षण आणि लावलेले तीन कलमा. शॉर्ट पिच चेंडू, मोठो फटको मिड विकेटच्या कपाळावरसून आकांड्यापार डोंगरार डायरेक्ट चंद्रार, खटक्यार वाट आणि जाग्यार पलटी. सध्या फेब्रुवारी महिना चालू असा, खैचे खैचे डे चालू असत आणि या गडबडीत आमचं डीजे वालो सुद्धा थोडंसं रोमॅन्टिक झालो. धाव फलकावर स्थिरावलेली धावसंख्या पंधरा धावा तीन गड्यांच्या मोबदल्यात.
पहिल्या चेंडूवर अल्टी पलटी चो प्रयत्न, विठ्ठल चो चेंडू पळी तो संपर्क नाही, निर्धाव चेंडू, पोलांडो चेंडू, कुवांडो चेंडू, पडसा रवलेलो चेंडू, यावेळी शपलोत मारलेलो पटको लेग साईडच्या दिशेल, चेंडू आकांड्या पार इला मनात आणि गेला दुकानात, गोलंदाजाच्या नाकार मारलेलो एक कणकणीत मुटको, विठ्ठल नाईक ऑन फायर डीजे. एकदा तशाच पद्धतीत मारण्याचा प्रयत्न, यावेळी थोडस फॉलो केलं गेलो गोलंदाज राहुल कडून आणि एका धावेच्या मदतीन धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावली, दुर्येचो डबल गेम 22वा धावफलकावर. सत्पुरुष मोरजी संघ ही ह्या षटक संपाच्या आत जर 12वा खेळाडू नाही इलो तर 2 धावांची पेनल्टी. हो यावेळी स्विंग अँड मिस, चेंडू पैतो संपर्क नाही, पंचांकडे अपील केला गेला पण पंचांचा म्हणणा विनाकारण मारलेली आरड. दरम्यान निर्धाव चेंडू, पोलांडो चेंडू, परत एकदा डॉट बॉल, 22वा स्थिरावलेली धावसंख्या. स्ट्राईक एंड वर दत्ता त्याच्या बॅट मधून एक षटकार बघितलो. ओ अल्टी बल्टीचा प्रयत्न, कनेक्शन सुंदर पण चेंडूची गती थोडीशी कमी आणि ज्यावेळी चेंडू अडवलो गेलो आणि 2 धावांत पूर्ण केले गेले. 2 धावांच्या मदतीन धावफलकावर धावसंख्या पोचली 2 डझनावर, अर्थात 24 धावा धावफलकावर. यावेळी पटको खूपच सुंदर, वाडी लोंगालच्या दिशेन वड्यात येऊन चेंडू स्थिरावलो, आणखी एक कलाम, आणखी एक फलंदाज डगआउटच्या दिशेन, आणखी एक फलंदाज राउनीच्या दिशेन, दत्ता बॅक टू दी पेवेलियन टीजे टक पेटव. नंतर नवीन फलंदाज मैदानात सर्वेश आणि यावेळी गोलंदाजी मार्कवर श्रीकांत सज्ज. यावेळी फुलटॉस चेंडू अडवलो गेलो. यावेळी आगमन होत आहे सन्मान्य आर्वी कोरगावचे सर्वे सर्वा सन्मान्य विनोद हरमलकर साहेबांचं आगमन होत आहे. विनोद हरमलकर साहेब आपलं सहर्ष आणि क्रिकेटमय स्वागत या दाभोलकर चॅम्पियन्स ट्रॉफी दरम्यान. आपल्याला विनंती आहे कृपया आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. सन्मान्य विनोद हरमलकर साहेब पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत. घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेन. यावेळी निर्धाव चेंडू, श्रीकांत गोलंदाजी मार्कवर, स्थिरावलेली धावसंख्या 25वा. यावेळी फुलटॉस चेंडू पण लेग स्टिक सोडून जाणारो, पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले, बघता भजी आणि मागता वडे असा पंचांचा होता म्हणणं. आणि अतिरिक्त एका धावेच्या मदतीन गोलंदाज दंडित
एका धावेच्या मदतीने धाव फलकावर, धाव संख्या 26, धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात। फुल टॉस चेंडू, मोठ्या फटक्याची अपेक्षा, प्रयत्न होते पण टायमिंग चुकला। एका धावेच्या मदतीने 27 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात। हो, यावेळी गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न, पण ऑब्स्टिक सोडून जाणार चेंडू, ऑब्स्टिकच्या बरोबर बाहेर चेंडू। पंचांनी परत एकदा दोन्ही हात समांतर केले, परत एकदा वाईडचो इशारो, अर्थात एका धावेच्या मदतीने 28 धावा धावफलकावर। गती परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न, फसलो आणि वाईड चेंडू। परत एकदा तसोच प्रयत्न, चेंज ऑफ द पेस, डॉट बॉल, स्थिरावलेली धाव संख्या 28 धावा। विठ्ठल नाईक स्ट्राइक एंडवर, शॉर्ट पिच चेंडू, मोठो फटको, स्क्वेअर लेगच्या कपाळावर चूल चेंडू, आर पार, दडदडी चक्कार, चेंडू डायरेक्ट चंद्रार, टीजे टाक। यावेळी पुढे सरसावत फोटो फटको खेळण्याचा प्रयत्न, एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, ओ हो 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 हो, पंचांकडे अपील केला गेला, कॅमेरामनची साथ घेतली जातली। ओ हो हो, अति गायी संकटात नाही, ओ युटी, चावचा लागताना विठ्ठल नाईक, घाई करण्याची गरज नव्हती, कदाचित विठ्ठल मालवणीतली एक म्हण विसरलो, वसा वसा खाणा आणि मसनात जाणा। विठ्ठलच्या बॅटवर चांगल्या पद्धतीने चेंडू येत होते आणि त्याच्याही पलीकडे सांगायचं तर षटकाचा शेवटचा चेंडू होतो, म्हणजे जर एक धाव घेतले असत्या तर परत एकदा विठ्ठल स्ट्राईक एंडवर इलो असतो, पण जर तरला क्रिकेटमध्ये कधी स्थान नाही। आणि म्हणूनच यावेळी लाईव्ह प्रक्षेपण, धावफलकावर स्थिरावलेली धाव संख्या 35 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात। नवीन फलंदाज मैदानात स्वराज, आगमन होतंय आर्वी कोरगावचे सर्व सर्वा सन्मान्य विनोद हरमलकर साहेब, आपलं सहर्ष सहर्ष स्वागत। पुन्हा एकदा आम्ही स्वागत करतोय व्यासपीठावर आर्वी कोरगावचे सर्व सर्वा सन्मान्य विनोद हरमलकर साहेब, आपलं खूप खूप स्वागत। या स्पर्धे दरम्यान आपण उपस्थित राहिलात, त्याबद्दल आपली उपस्थिती आम्हा आयोजकांसाठी खूपच आनंदाची आहे, आपल्याला विनंती आहे आपण स्थानापन्न व्हा, या स्पर्धेचा आस्वाद घ्या। या मैदानाच्या दिशेने शेवटचा षटक, पहिल्याच चेंडूवर लागलेला कलाम, 5 चेंडू शिल्लक आणि धाव फलकावर 35 धावा। स्ट्राइक एंडवर नवीन फलंदाज नारायण, ओ यावेळी बॅटची कड घेत चेंडू, यष्टीरक्षकाचा प्रयत्न होतो
पण यष्टीरक्षकाच्या हातात चेंडू नाही लागलो आणि तोपर्यंत एक धाव पूर्ण. एका धावेच्या मदतीन धाव फलकावर धाव संख्या पुढे सरसावली. 36 धावा धाव फलकावर. स्ट्राईक एंडवर सर मोठो फटको मिड विकेटच्या दिशेन चेंडू आर पार. गगना गवस निघाळणारो चेंडू मिड विकेटच्या कपाळावरसून डायरेक्ट डोंगरार डायरेक्ट चंद्रार समुद्रात मासो आणि तडीक मॉल. हो हो यावेळी सफल होण्याची सगळी हद्द पार केलेलो फलंदाज करू गेलो संकासूर तयार झालो नरकासूर अशी परिस्थिती मैदानावर. अंपायर डिसिजन पंचांचो इशारो वाईडचो आणि सोबत हिट विकेट. कदाचित आवश्यकता नव्हती की काय एवढं शफल होण्याची, कारण लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू होतो, लेग स्टिकच्या बाहेरचा चेंडू होतो, त्यामुळे ऑफस्टिकच्या बरोच बाहेर शफल झालो आणि त्याचे परिणाम त्याकाच बघूचे लागले. धाव फलकावर स्थिरावलेली धाव संख्या 43 धावा. यावेळी फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवलो गेलो जोपर्यंत फेक होय तोपर्यंत एक धाव पूर्ण झाली. एका धावेच्या मदतीन धाव फलकावर धाव संख्या पोचली. चौक्याचो डबल गेम. ओ यावेळी सुंदर फटको अगदी वीरेंद्र सहवागची आठवण करून देणार. पॉइंटच्या बाजूने मारलेलो फटको चेंडू आकांड्या पार रोलिंग 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 बाउंड्री आणि चार धावांच्या मदतीन धाव फलक 48 या धाव संख्येवर. या चौकारानंतर थोडासा कमी वाटणारा धावपट धाव फलक ठीकठाक आणि शेवटचो चेंडू शिल्लक. परत एकदा त्याच दिशेत मारलेलो फटको यावेळी गती कमी पण तरी सुद्धा रोलिंग 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 बाउंड्री चार धावांच्या मदतीन धाव फलकावर धाव संख्या पोचली 52 धावा. जिंकण्यासाठी 53 धावांची आवश्यकता. शेवटचे दोन चौकार कदाचित ह्या सामन्यात वोलो बॉईज हणकडे संघाक परत घेऊन येऊ शकतात. काय होतला सामन्यात 53 धावांची आवश्यकता 30 चेंडू वोलो बॉईज हणकडे संघात ठेवलेलं आव्हान. सत्पुरुष मोरजी संघ 30 चेंडू 53 धावा जमवतात की 53 धावा वोलो बॉईज हणकडे संघ डिफेंड करता काय घडता काय बिघडता. परत एकदा ऐकूया आवाज सर अशोक नाईक आणि मी सिद्धू परब आपल्या सगळ्यांची थोड्या वेळासाठी रजा घेतोय. धन्यवाद.
हॅलो, चलिए टॉस के लिए आरवी 11 कोरगाव और मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुळवीर मालपे। अगला मैच होगा मनीषा क्रिकेटर्स और आरवी कोरगाव के दो टीमों के बीच में। चलिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। चलिए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए आरवी 11 कोरगाव और मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुळवीर मालपे। मान्यवर कक्ष में आरवी 11 के सर्वे सर्वा विनोद जरमलकर जिनका आगमन हो चुका है। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर निकलते हुए टारगेट है मैच को जीतने के लिए 53 रनों का सत्पुरुष मोरजी क्रिकेट टीम के लिए। अगर सुबह के पहला मैच में हार का सामना करना पड़ चुका है सत्पुरुष मोरजी क्रिकेट टीम, तो सामने वोल्वो बॉयज अनकर्णी क्रिकेट टीम मैच को जीत चुकी है। क्या खाता खोलेगी सत्पुरुष मोरजी या वोल्वो बॉयज अनकर्णी क्रिकेट टीम दूसरी जीत हासिल करेगी, देखना होगा आने वाले मैच में क्या होता है। फिलहाल एक बार फिर से कॉल कर रहे आरवी 11 कोरगाव और मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुळवीर मालपे दोनों टीम कैप्टन, चलिए टॉस के लिए जल्द से जल्द संपर्क करें। पावर प्ले का पहला ओवर बल्लेबाजी पर दत्तराज और साई और उन्हीं के साथ आशीष और गेंदबाजी करने के लिए रुद्रेश। सुबह के सत्र में मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे थे रुद्रेश नाइक। अच्छी गेंद हल्के से खेला सिल मिडा पर रन के लिए निकले रन आउट का खतरा जी बिल्कुल बिना देखे निकले सिल मिडा पर रन बन भी सकता था लेकिन पहली गेंद थी जोखिम नहीं लेनी चाहिए थे और पहला विकेट आशीष आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में। आरवी कैप्टन आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स के पास, तो चलिए प्लीज मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुळवीर मालपे क्रिकेट टीम मुळवीर मालपे चलिए कैप्टन आप आ जाइए टॉस के लिए क्योंकि सामने आरवी 11 क्रिकेट टीम के कैप्टन आ चुके हैं टॉस के लिए। नए बल्लेबाज मैदान पर पहला विकेट वापस आशीष आउट होकर और न्यू बैटर राहुल मैदान पर। टारगेट है 53 का 53 रनों का मैच को जीतने के लिए। स्क्वायर लेग पर फील्डर एक सिंगल रनों का खाता शुरू होता है एक रन एक विकेट के नुकसान पर। त्रेपन का टारगेट है 5 ओवर का मैच है अच्छा टोटल है। अगली गेंद रुद्रेश की सामने लेफ्ट हैंडर बैटर छोटी गेंद पुल किया इस बार गेंद हवा में लॉन्ग ऑन पर फील्डर आउट और इस ओवर में दूसरा विकेट मैदान पर निकलता हुआ सत्पुरुष मोरजी क्रिकेट टीम का। नए बल्लेबाज केदार आ चुके हैं मैदान पर। और बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर बेहतरीन शॉट। तो टॉस हो चुका है आने वाले मैच का और टॉस जीत चुकी है
कोरगाव क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आरबी 11 कोरगाव क्रिकेट टीम तीसरा मैच खेलेगी। राउंड के डॉप फिर से एक बार खूबसूरत स्क्वायर कट डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर लाजवाब शॉट चार रन के लिए बैक टू बैक दूसरा चौका निकलता बा बल्लेबाजी में केदार के 8 पर खुद के व्यक्तिगत और टीम का स्कोर आगे बढ़ा 9 रन पर पहुंचता बा 2 विकेट के नुकसान पर। दो बेहतरीन चौके बल्लेबाजी पर और रुद्रेश अपने बॉलिंग मार्ग पर एक रनआउट एक विकेट। हाफ वाली पर लेकर इस बार कवर पर खेला कवर पर फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर शॉट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते एक रन इस बीच में सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 10 पर। पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त हुआ टारगेट है 53 का और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 10 दो विकेट पर। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है और टॉस जीत चुके आरबी 11 कोरगांव और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है तो सामने फील्डिंग के लिए उतरना पड़ेगा मनीषा क्रिकेटर्स एंड मुलवीर मालपे क्रिकेट टीम को। चलिए पहला ओवर समाप्त हुआ फील्डिंग में तब्दीली होगी मैदान पर और देखने का दूसरे ओवर के लिए कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। गेंदबाजी में परिवर्तन नारायण बावकर आ चुके हैं 9 पर बल्लेबाजी केदार केदार का साथ दे रहे दत्तराज उर्फ साई 1 पर। शॉर्ट ऑन पोल मिड विकेट पर डीप मिड विकेट पर कमेंट्री बॉक्स के बगल में और यह लगा दाबोलकर ब्रदर्स चैंपियन ट्रॉफी का सिक्सर। रन टोटल 2 विकेट पर। इस बार बल्ले से लगी गेंद चली गई थर्ड मैन पर 1 रन दूसरे रन के लिए नहीं बिल्कुल थोड़ा सा रुक गए नो बॉल का इशारा अंपायर का एक बीमर गेंद थी तो नो बॉल के साथ और 1 रन मिला और अंपायर का इशारा आने वाली गेंद होगी जो वो होगी फ्री हिट की। 18 पर पहुंचा फ्री हिट की गेंद देखने होगा फ्री हिट की गेंद पर क्या होता है सामने बल्लेबाज 1 पर खुद के व्यक्तिगत दत्तराज उर्पसाई और अपने बॉलिंग मार्ग पर नारायण बावकर फ्री हिट की गेंद। अडेबल्ले से खेला ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर है मौजूद थोड़ी सी हड़बड़ाहट लेकिन अपने आप को संभाला गेंद को कलेक्ट किया गेंद को फील्ड किया थ्रो किया और फ्री हिट की गेंद पर सिर्फ सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में 19 पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर 19 लॉस ऑफ 2 विकेट। हल्के से टैप करना चाहते थे ऑफ साइड पर और गेंद चले इसी बीच में विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। योगेश उर्फ मुन्ना दाबोलकर उन्हीं के साथ सुशांत साळगावकर अमेय नाईक के त्रिमूर्ति अंपायरिंग के साथ ड्राइव के इस बार ऑफ साइड पर कवर पर देखने का लॉन्ग ऑफ पर फील्डर दूर है पहला रन बड़ी तेजी के साथ और थोड़ी सी मिसफील्डिंग और उसी का फायदा उठाते हुए दूसरा रन मुकम्मल किया। कल के दिन में त्रिवेणी सावंत स्कोरिंग के लिए और आज धीरज पालियेकर कमेंट्री बॉक्स में 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से एक तगड़ा शॉट शॉर्ट ऑन पोल का लेकिन फील्डर है मौजूद मिड विकेट बाउंड्री पर अच्छी फील्डिंग 1 रन इस बीच में स्कोर में केदार 2 चौके 1 छक्का अब तक 19 पर बल्लेबाजी करते हुए 2 पर दत्तराज और पसाई फिर से ऑन साइड पर खेला स्क्वायर लेग पर फील्डर है मौजूद कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद को उठाते फील्ड करते
एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने इस सिंगल के साथ। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ और दो ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 23 लॉस ऑफ टू विकेट। टारगेट है 53 का, अभी भी चाहिए 30 रन और आने वाले 3 ओवर का खेल मैच का बाकी। बल्लेबाजी सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम और आने वाले मैच का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना पसंद किया है आरबी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम ने। थैंक यू डीजे। बॉलिंग में परिवर्तन, विट्ठल नाइक गेंदबाजी करने के लिए, खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर सामने से दूर वाले छोर से। और फुल टॉस, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग पर देखने का गेंद, जब तक फील्ड होती है एक सिंगल, एक रन मिला स्कोर के खाते में। एक फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप पर, अच्छा शॉट और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अभी भी चाहिए 29 रन, खेल बाकी है 17 गेंदों का। कलाई का उपयोग किया, मोड़ा इस बार फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर, फिर से सिंगल, अच्छा क्रिकेट। एक एक सिंगल के साथ रन गति को बढ़ा रहे, शुरू में 2 विकेट बहुत जल्द खोए थे आशीष और आशीष के साथ राहुल, लेकिन उसके बाद दत्तराज उर्फ साई 4 पर और केदार बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं 20 पर, खुद के व्यक्तिगत 20 पर, 2 चौके 1 छक्का अब तक केदार की बल्लेबाजी में। और छोटी गेंद हुक किया इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और ये लगा दाबोलकर ब्रदर्स चैंपियंस ट्रॉफी का सिक्सर। डी से इन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 31 रनों पर। इस बार फिर से खेला ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, और जब तक गेंद फील्ड होती एक रन आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और एक सिंगल, सिंगल के साथ 32 टोटल, 21 रन चाहिए अभी भी मैच में, और गेंदे बची है 14 चेंडू 21 थावा। इस बार फिर से कलाई का उपयोग किया, मोड़ा इस बार पहला रन बड़ी तेजी के साथ, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर उतनी तेजी के साथ आते गेंद पर बिल्कुल हावी होकर गेंद को फील्ड करते, और एक सिंगल फिर से स्कोर के खाते में सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम। टारगेट है सामने 53 रनों का। वोल्वो बॉयज अनकने क्रिकेट टीम के साथ मुकाबला मैदान पर जारी है। ओवर पिच गेंद, एक जोरदार बल्ला जरूर घुमाया था बड़े शॉट के लिए, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 33 लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन चाहिए और गेंदे बचे 12, 2 ओवर का खेल बाकी है, 12 डिलीवरीज 20 रन, 12 चेंडूत 20 धावा सामना जिंकण्यासाठी। लेफ्ट आर्म, अच्छी शुरुआत ऑफ स्टंप पर, एक अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, एक बिंदी गेंद के साथ स्वराज, 4th ओवर जारी है। आने वाले 11 गेंदों का खेल, 20 रन, 11 चंडू 20 धावा। आगे निकले डाउन द ग्राउंड इस बार लोअर फुल टॉस, और जब तक मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। मुकाबला बहुत ही अच्छा हो रहा है मैदान पर, एक अच्छा ओवर 1-2 विकेट, मैच में कमबैक हो सकता है मैदान पर,
वोल्वो बॉयज अनकणे क्रिकेट टीम का सामने अगर एक और बड़ा शॉट लगा इस ओवर में तो थोड़ा मुकाबला 19-20 का होगा, मैच थोड़ा सा ढीला होगा, आसान होगा। फुल टॉस, क्या फाइन लेग पर कैच का मौका, जी बिल्कुल शॉट फाइन लेग पर, एक मौका था सिक्सर के लिए लेकिन मिस टाइम शॉट और बड़ी देर के बाद तीसरा विकेट वापस डीजे। पर 34 रन 3 विकेट पर और न्यू बैटर राजेश, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। ओवर पिच गेंद डीप मिड विकेट पर, ओ बहुत ही अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश थी, हवा में गोता लगाया था, छलांग लगाई थी लेकिन कोशिश कोशिश ही रह गई और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। 6 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ा टोटल 40 रन पर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, ओवर पिच गेंद आते आते राजेश के बल्ले से मिले 6 रन टीम के स्कोर के खाते में। और एक बार फिर से जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, इस बार गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, एक डॉट गेंद स्वराज की, एक विकेट इस ओवर में, खेल बाकी है 7 गेंदों का और 7 गेंदों में चाहिए 13 रन, 7 चंडू 13 धावा सामना जीतने साठी। यह गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगी इस ओवर में स्वराज की। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार विकेट कीपर को बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर, थोड़ा सा शॉर्ट थर्डमैन पर भी अड़बड़ा 1 रन और ओ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अंपायर की सहमति, बिल्कुल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुके है मैदान पर तीसरे अंपायर की ओर, क्योंकि गेंद स्टंपों पे लगी है और देखना होगा जो लाइन पर बल्ला है या बाहर है लाइन से, ये जांच हो रही है लेकिन जिस तरह से बल्लेबाज की रिएक्शन देखने को मिल रही है, ओ यूटी आउट, तो कीमती विकेट इन मौके पर मिलता हुआ टीम को, चौथे विकेट का पतन होता हुआ और स्कोर टोटल 41 रन। अब चाहिए टोटल 12 रन मैच को जीतने के लिए और आखिरी ओवर का खेल बाकी। कंपलसरी चेस है, आपको जीतने के लिए रन बनाने ही होंगे। चर्चा हो रही है दोनों अंपायरों के बीच में,
अंपायरों के बीच में चर्चा जरूर हुई और उसके साथ आखिरी ओवर यानी 6 गेंदे मैच में बाकी। सह चंडू 12 धावा 6 गेंदे और 12 रन मैच को जीतने के लिए राजेश और बॉलिंग मार्ग पर सर्वेश। शपलोकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, आखिरी ओवर का खेल 5 गेंदों में 12 रन 5 चेंडू 12 धावा। इस बार मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। गेंदबाजी करते हुए सर्वेश अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने से, खेल बाकी है 4 गेंदों का और 4 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 6 रन। सतपुरुष मोरजी क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। और इस बार शॉर्ट आर्म पोल, क्या मौका बनेगा कैच का? जी स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। ये लगा द बोलकर ब्रदर्स चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा बैक टू बैक सिक्सर 6 रन के लिए। तो इसी के साथ इस मैच को जीतती हुई सतपुरुष मोरजी क्रिकेट टीम।